को ध्यान में रखते हुए कि जो नेता लोग हैं ये चुनाव से पहले जो भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे, इन्हें ये अपना भाषण स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना होगा, और यदि ये 5 साल में पूरा नहीं कर सके तो इनकी पूरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकता है। होता क्या हमारे यहाँ चुनाव से पहले भयंकर भयंकर बात है, 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, हर सरकार, हम किसी एक सरकार की तारीफ या किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसी सरकार बनी है जो अपने हर एक वादों को पूरा किया। हालांकि दिल्ली में गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, हम इसको कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि अगर नेता जो वादा किए हैं पूरा नहीं कर सकते हैं स्टैम्प पेपर में लिखे हुए वादों को, तो उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो नेता सब बोल देता है सब कि हम ये करेंगे या चुनाव के बाद कुछ नहीं करेंगे, इससे हम लोग बस